हम चांदी के खरीदते हैं अभी खरीद रहे हो। दोस्तों एक प्लेट चाउमीन लेके टेस्ट करके देखते हैं, यहाँ के चाउमीन बहुत ज़्यादा मोटी मोटी लग रही है मुझे तो, देखते हैं टेस्ट करके दोस्तों। लग रहे हैं नहीं है, नहीं मम्मी भैया हाँ हेलो लगाना वेज वाले हाफ प्लेट, वो एक प्लेट कौन से बोल रहे हो 40 के? देखते हैं यहाँ के मोमोज भी ट्राई करके। ले भाई खा ले, दिलवा रहा हूँ कंचन टेस्ट करके पता कैसे है, कैसे लगे मोमोज? सही है मम्मी, आप भी टेस्ट करके बताओ चाउमीन कैसी है, क्रीम कैसी लगी? बिग टन सब लेगा कुल्फी नहीं कैसी है नानी? सही है क्या ऐसी लगी है मुझे तो, जैसा मैं आइसक्रीम खा रही हूं। आइसक्रीम भी तो आई है? नहीं जैसा आइसक्रीम खा रही हूं, ये तो कुल्फी है ना। अच्छा क्या लिया जा रहा है? मूली अभी ना फिर मेहंदीपुर बालाजी की मशहूर मूली चाट। चटनी वटनी का पैक कर दिया। ये किस चीज की चाट है? फ्रूट चाट ककड़ी। देखिए यहाँ पे ये उल्टे सीधे घुस रहे दोस्तों, ये तो दोस्तों थोड़ा भी मार्केट घूम गए, आ गए हैं, थोड़ा थक गए हैं, थोड़ा सा रेस्ट करके। अभी लवित ने ये मार्केट से ये लिया था कलर क्यूब, अब इसको ये अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, देखते हैं कैसा निकलता है अंदर से। मैं तो खाऊंगी नहीं। एक ये छोटा वाला, ये दो आए हैं एक के साथ एक फ्री, ये छोटा वाला और एक निकलने वाला, एक ये दोस्तों बड़ा वाला, ये लिया है हमने 130 रुपीस के दो। तो पकोड़े लाए अभी फ्राई करवा के, आज ये दोस्तों अभी पकोड़े खाने के लिए हमारे पास। हम रात का डिनर करेंगे, टाइम है 9:30 रात के 9:30 PM। अब जाएंगे दोस्तों हम डिनर करने, उज्जैन से बुलाई थी मैं माओ की तीन हुआ का। हाँ दिखाओगे भी दीदी क्या लियो? सही है, कितने दस दस की?
हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह की पहली किरण मेहंदीपुर बालाजी के अंदर है हम। दोस्तों जय श्री राम। आज ये हमारा दूसरा दिन है श्री मेहंदीपुर बालाजी के अंदर। देखिए दोस्तों, यहाँ से पहाड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं। देखिए दोस्तों ये सामने मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये पहाड़ियों का मंदिर है दोस्तों मेहंदीपुर बालाजी के अंदर, जिसे कहते हैं दो पहाड़ियों के बीच बसा है ये मंदिर। ये देखिए दोस्तों इस टाइम पे मैं अपनी टेरिस पे हूँ। यहाँ से देखिए कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर सुबह धूप बहुत जल्दी आ जाती है। काफी बड़ा टेरिस है दोस्तों। दोस्तों अब हम यहाँ पर बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, पहाड़ियों वाले बाबा के दर्शन। अभी हम कच्चे रास्ते से निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ता है। शॉर्टकट का मतलब ये है कि जो सीढ़ियों के रास्ते से आपको 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, वो यही कच्चे रास्ते से आप 45 से 60 मिनट यानी 1 घंटे के तक आप ऊपर तक दर्शन करने पहुँच जाओगे। मिलते हैं दोस्तों आपसे आगे रास्तों में। दोस्तों मुझे दिखाने में थोड़ी गलती हो गई थी, मंदिर यहाँ नहीं, मंदिर वहाँ है। वो है दोस्तों, देखिए ये वाला, हमें यहाँ जाना है। वीडियो शूट कर रहा है और हम यहाँ। दोस्तों यहाँ पर दर्शन करने के लिए यात्री बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को 90% पता नहीं है ये रास्ता। और दोस्तों जो यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होगी आगे से, वो थोड़ा डेंजर है। दिखाता हूँ आपको रास्ते में आगे, मैं यहाँ का एक नज़ारा दिखाता हूँ आपको। एकदम खड़ी चढ़ाई है दोस्तों, और ये देखिए नीचे से शॉर्टकट शुरू। देखो बेचारे जानवरों से कितना लोडिंग उठवा रहे, हमारे से नहीं चढ़ा जा रहा। भरे भरे सिलेंडर सामान वामान लादते हुए, थोड़ी सी भी तरस नहीं आती इनको। देखो बेचारों से कैसे लोड करा के ला रहे दोस्तों, बड़े वाले सिलेंडर फुल टंकी लोड, हमसे नहीं चढ़ा जा रहा। इन जानवरों पे देखो कैसे, तो दोस्तों कैसा रास्ता है। अगर और ऊपर चला देगा ना, फिर हम गिर चुके थे, ऐसा लगेगा हम एक पार पा गए। और इधर और ऊपर चला देगा ना, ऐसा लगेगा मम्मी और मैं और कुछ यात्री उतरते हुए दिख रहे दोस्तों। कर रहे हैं ना जानवरों के साथ, इससे ज्यादा भरना पड़ता। दोस्तों अब हम चढ़ के मंदिर दरबार की तरफ पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमारा पहाड़ों का रास्ता खत्म हो चुका है, हमें यहाँ जाना है। हमारा मंदिर का रास्ता पूरा हो चुका है, अब जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो यहाँ से दोस्तों काली माता मंदिर स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर कितने दो भक्त लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ दूसरा मंदिर आ जाता है दोस्तों। Thank you.
दोस्तों यहाँ चाय पकौड़े की दुकान, दर्शन करो, चाय पकौड़े वगैरह खाओ। मंदिर का रास्ता पूरा हो चुका है, अब जा रहे मंदिर की तरफ। तो यहाँ से दोस्तों काली माता मंदिर स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर कितने दो भक्त लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ दूसरा मंदिर आ जाता है। दोस्तों दोस्तों यहाँ चाय पकौड़े की दुकान, दर्शन करो, चाय पकौड़े वगैरह खाओ। दादा कहाँ से ला रहे हैं? दादा दिखेगी नहीं आपको, कैसे दिखेगी नहीं तो मुझे पैसे कौन देगा? दोस्तों हमने यहाँ के बाबा के दर्शन कर लिए, अब नीचे उतरने की तैयारी है। दोस्तों यहाँ हमने एक कोल्ड ड्रिंक पी,
अब नीचे चलते हैं मेहंदीपुर बालाजी के दरबार पे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर छोटी मोटी फोटो स्टूडियो, मार्केट, खाने पीने का छोटा मोटा प्रबंध बना रखा है। देखिए दोस्तों कितना सुंदर नज़ारा है ना दोस्तों, कितना प्यारा है। ये पूरी दोस्तों खाई है नीचे। राम दूत बलधाम की, पवन पुत्र बिरवान की, अंजनी के इस लाल की, करोर मिलके वंदना महावीर हनुमान की, करोर मिलके वंदना महावीर हनुमान। अब हम घर के लिए रवाना होंगे। ये दोस्तों मेहंदीपुर बालाजी का बस स्टैंड बस अड्डा है। देखिए दोस्तों, हम आपको एक आखिरी दर्शन कराते हैं इस वीडियो का, जो कि है अंजना देवी माता मंदिर। दोस्तों अभी इसके अंदर कुछ काम चल रहा है, रिपेयरिंग वगैरह का। वैसे दोस्तों ये मंदिर बड़ा खूबसूरत और बहुत अच्छी कला से बनाया गया है। तो जमीन बहुत गर्म हो रही है धूप की वजह से। दोस्तों जाएंगे अंजनी माता के दर्शन करने। दोस्तों अंदर कैमरा लाउड नहीं है तो अंदर से प्लीज मैं दिखा नहीं सकता। देख लीजिए अंदर से कुछ ऐसा लगता है माता अंजनी का मंदिर। तो आपको दर्शन करने में बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा दोस्तों, चलते हैं बस स्टैंड पे दिल्ली की बस के लिए। मिलते हैं दोस्तों आपको आगे।